गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल रीड लेसन आर्टिकल। बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लेसन आर्टिकल पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के बारे में जानना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं आर्टिकल होते क्या है, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं हमारे। आर्टिकल होते हैं हमारे ए, एंड एंड द। ये क्या होते हैं बच्चों? हमारे आर्टिकल क्या होते हैं हमारे? ये आर्टिकल। ओके, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं हमारे? ए, एंड एंड द। चलिए तो सबसे पहले अब हम जानते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल द आर्टिकल ए एंड एंड द आर डिटरमाइनर्स used before noun and sometimes adjective। क्या लिखा है बच्चों हमने? द आर्टिकल ए एन एंड द आर डिटरमाइनर्स यूज्ड बिफोर नाउन एंड समटाइम्स एडजेक्टिव। ए एन एंड द का यूज हम किसके साथ में करते हैं? नाउन से पहले या फिर कभी कभी हम एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या है बच्चों हमारा आर्टिकल ए। तो हम देखते हैं यूज ऑफ ए। ए का यूज हम कहां पर करते हैं? ओके, यूज बिफोर सिंगुलर words beginning with consonant sound। use of a, a का use हम किसके साथ करते हैं? use before सिंगुलर वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। सिंगुलर वर्ड होना चाहिए और उसकी साउंड कैसे आनी चाहिए? कॉन्सोनेंट। उसके साथ में हम किसके यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि ए मैन। मैन कैसा है? सिंगुलर है और कौन इसकी जो साउंड निकल रही है, साउंड जो निकल रही है वो कैसी है? कॉन्सोनेंट निकल रही है और मैन क्या सिंगुलर है। तो इसके साथ में किसका यूज होगा? ए का यूज। और आप इस तरह से भी पता कर सकते हैं किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ में आप किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, ए लैम्प। लैम्प कैसा है? सिंगुलर भी है और इसका फर्स्ट वर्ड कैसा है? कॉन्सोनेंट भी है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यूज ऑफ एन। एन का यूज हम किसके साथ करते हैं? यूज बिफोर वर्ड that begin
विद द वोवल साउंड। एंड का यूज हम बच्चों किसके साथ करते हैं? यूज बिफोर वर्ड डेट बिगिन विद आ वोवल साउंड। जिस वर्ड की स्टार्टिंग किससे होती है? वोवल से, या बोलने में भी उसकी साउंड क्या निकल रही है? वोवल में निकल रही है, तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? एन एंड का यूज करेंगे। जैसे एन एप्पल, यहाँ पर एप्पल में फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? वोवल है ना, तो वोवल के साथ में हम किसका यूज करेंगे? एप्पल का, वो सॉरी एन का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एन एलिफेंट, एलिफेंट के एलिफेंट वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? वोवल, तो वोवल के साथ में हम किसका यूज करेंगे? एयर एंड का यूज करेंगे। ओके, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और एन का यूज हम वोवल के साथ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बचता है हमारा अब द। क्या बचता है बच्चों हमारा? द, यूज ऑफ द। चलिए देखते हैं हम यूज ऑफ द। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल used to point out a noun। दा क्या है बच्चों? दा हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका यूज हम हमेशा किसके साथ में करते हैं? नाउन के साथ करते हैं। ओके, we use the when a person, place, animal or thing is mentioned। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा था? नाउन के साथ। और आपको पता है नाउन के अंदर क्या क्या आते हैं? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल का नाम या किसी भी चीज का नाम। उन सभी के नाम के साथ में हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि नेम ऑफ ओशियन, नेम ऑफ ओशियन में हम लिख सकते हैं द पैसिफिक ओशियन। ओशियन का नाम लिखा है हमने, क्या है ओशन का नाम? पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के साथ में हमने क्या यूज किया है? कौन सा आर्टिकल यूज किया है? हमने द का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नेम ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का नाम लिखेंगे तो नाम के साथ में आपको मैंने बताया है क्या आएगा? द, द थार डेजर्ट। ओके, एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल। नेम ऑफ
लैंडमार्क। लैंडमार्क के नाम के साथ में भी क्या आएगा आपका? द फायर स्टेशन। ये क्या है? हमारा एक लैंडमार्क है। ओके, सो आपको पता चल गया होगा आपको आर्टिकल ए एन एंड द किस तरह से यूज करने हैं। ए का यूज आप कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे, एन का यूज आप वोवल के साथ करेंगे, और द क्या है? द एक हमारा डेफिनेट आर्टिकल है जो हमेशा किसके साथ में यूज किया जाता है? नाउन के साथ में यूज किया जाता है। ओके, सो बच्चों, आई होप आपको आज की आर्टिकल की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। आई होप आप इसको घर पर अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।